हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाने जा रहे हैं। इसकी पहचान है और इसके चारों पार्ट साथ में ही करवाएंगे। तो पहचान है इसकी इस तरीके से, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जो सेंटेंस, जो भी वाक्य होता है उसके लास्ट में ये सब मिलेगा, रहा था या रही थी, रहे थे, कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला है, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। ये चारों फॉर्मूले साथ में ही, मैंने चारों पार्ट का सेंटेंसेस साथ में ही करवा रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बॉज वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें प्लस आईएनजी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही, वैसे ही इसमें रहा रही, रहा था, रही थी है, तो इसलिए इसमें आईएनजी आएगी, कंटिन्यूअस है इसलिए। तो इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। और ये नेगेटिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट, बस नॉट लग जाएगा इसमें, बाकी सब वही रहेगा जो अफर्मेटिव का है, वही नेगेटिव का फॉर्मूला, पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में नॉट जोड़ देंगे बस। तो ये इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला था, ये डबल इंटरोगेटिव का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला है, बस सेंटेंस जैसा आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव उसके बेस पे रख देंगे। तो इसके सेंटेंस हैं, सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं इसमें एग्जांपल में। फर्स्ट इसका सेंटेंस है, वह घर जा रहा था। तो इसमें लास्ट में देखो आपको यही सब देखने को मिलेगा, रहा था, रहा था, रही थी, इसके वाक्य में लास्ट में रहा था, रही थी, ये सब मिलेंगे। तो वह घर जा रहा था, ये कैसा सेंटेंस है? सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे एक वचन के लिए, और बहुवचन के लिए वर। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसमें ही हेल्पिंग वर्ब वाज, प्लस वर्ब आएगी वाज या वर्ब के बाद, फिर वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, कि गो प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू होम, इस तरीके से ये सेंटेंस है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल आई के साथ, लेकिन इसमें इसमें एक नोट देना है कि जो आपको बता देते हैं, इधर डालिए, तो ये नॉट इसमें ये दिया है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन सब्जेक्ट होने पर वॉज लगाते हैं, और बहुवचन होता है जब सब्जेक्ट, तब वर्ब का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब एक वचन सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वॉज लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो वर्ब लगाएंगे। लेकिन आई बहुवचन है, आई सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, फिर भी उसके साथ में वाज का यूज करते हैं, आई के साथ वाज का यूज करते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसको ध्यान रखना है कि मतलब बाकी सब सिंगुलर पर्सन है तो उनके साथ में वाज लगाते हैं, और प्लूरल पर्सन के साथ, सभी के साथ में जो भी प्लूरल पर्सन है उसके साथ में वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आई प्लूरल है फिर भी वॉज वॉज का यूज करते हैं। तो आइए, इधर मैं फुटबॉल खेल रहा था, ये
आई कैसा है? प्लूरल है सब्जेक्ट, फिर भी इसमें वॉज लगाएंगे। आई के साथ क्या वॉज लगाते हैं, ये रूल है। तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वैसे कई सारे सेंटेंस में और बुक्स में देखना तो वर्ब ही मिलेगा, क्योंकि आई प्लूरल पर्सन है तो इसमें वर्ब ही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें वॉज लगाया जाता है। तो आपको बता रही हूँ, आई के साथ में वॉज का रूल यही बताता है कि आई के साथ में वॉज का यूज करते हैं। तो ये थर्ड सेंटेंस है हमारा, सिया गुड़िया नहीं बना रही थी। तो ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। सिया गुड़िया नहीं बना रही थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सिया नहीं बना रही थी, ये कैसे नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिया वॉज नॉट मेकिंग डॉल। ये मार्कर कम चल रहा है, नेगेटिव है। इसमें सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, यू वर नॉट प्लकिंग फ्लावर। फ्लावर क्या वे पुस्तकें खरीद रहे थे, ये कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी फर्स्ट इंटरोगेटिव फर्स्ट वाला सिंपल इंटरोगेटिव। तो क्या वे पुस्तकें खरीद रहे थे, इसमें सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। वे जो सब्जेक्ट को देख के सब्जेक्ट के बेस पे हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है अपना, वे क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में वर लगेगा। तो वर दे खरीदना का वाइन बुक्स बस क्वेश्चन मार्क। रूल में इसमें सॉरी आपको एक बार फिर से बता देते हैं, वॉज वर ये सारा रूल, इसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव है ये, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क ऐड करना है आपको। दोनों में क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में सेंटेंस में। तो क्या हुआ है, पत्र लिख रही थी, ये सेंटेंस ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, लड़की कोई लिख रही थी, यानी मतलब तो इसमें सी आएगा, सी वॉज सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब। सी वॉज राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। सी वॉज राइटिंग ए लेटर। और ये शिक्षक अंग्रेजी कब पढ़ा रहे थे, ये सातवां सेंटेंस है हमारा है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कब, तो इसमें वैन वैन वॉज द टीचर पढ़ाना थी टीचिंग इंग्लिश। जगह थोड़ा कम है। बड़ा ही फर्नीचर क्यों बना रहा था, ये भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्यों है, तो इसका क्या आएगा, वाई, बड़े ही सिंगुलर पर्सन है तो वाई वॉज द कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से अपने सेंटेंस बनेंगे इसके। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।